राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में बरखा और माया के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि पाकी बिना बताए अनु से मिलने जो चली गई है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु खुद अपने बेटे अभीर को किडनैप करने वाला है, जबकि कुंडली भाग्य में करण को प्रीता के जिंदा होने का पता चल गया है। अब ये तो थी शोज की मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में तो इतना कुछ हुआ है कि क्या क्या आपको बताएं। मतलब डिम्पी और समर की शादी टूट गई है, क्योंकि वो भी अनुपमा के खिलाफ अब जहर उगल रही है। तो वहीं वनराज अनुपमा से मिलने पहुंच गया है अपनी झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए। और तो और, अनुज को छोटी ने सब कुछ सच सच बता दिया है, जिसके बाद से वो अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए राजी हो गया है। लेकिन आज के एपिसोड में माया और बरखा का चेहरा देखने लायक है। होता यह है कि पहली बार छोटी की बात सुनकर अनुज को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अनुपमा के साथ कितना गलत किया है। अरे छोटी अनुज को सारा सच बता देती है कि मैंने ही मम्मी से माया के साथ रहने की बात कही थी, और आपको समझाने के लिए भी कहा था। आपको लगता है कि मम्मी तो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन सच में मम्मी जितना प्यार करती है उतना तो माया भी नहीं करती। अब ये सुनकर अनुज भावुक हो जाता है। उधर कांता बहन अनुपमा को समझाती है कि अगर अनुज को रिश्ता रखना होता तो वो मिलने के लिए ज़रूर आता, लेकिन उसे रिश्ते के मायने ही नहीं है। अब तुम अनुज का इंतज़ार करना छोड़ दो, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुमको दुख देंगी। उधर डिम्पी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, वो भी समर के सामने। अब दोनों में अनुज और अनुपमा को लेकर भयंकर लड़ाई होती है, मगर समर कहता है कि हमें अनुज से मदद लेने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन डिम्पी कहती है कि अनुज सारी जिम्मेदारी लेगा, और सारी गलती अनुपमा की थी, उसकी वजह से ही तो अनुज की बेटी चली गई। अब समर भड़क जाता है और कहता है कि इस बार मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, जिसके बाद डिम्पी शादी करने से मना कर देती है। उधर पाकी अनुज से मिलने के लिए माया के घर पहुंच जाएगी, और ये बात सुनकर वनराज भड़क जाएगा कि वो पहले तो उससे मिला नहीं और अब पाकी हाथ जोड़ने के लिए वहां पहुंच गई है। उधर बरखा के तोते उड़ गए हैं। वो अधिक पर गुस्सा करती है कि तुमने पाकी को आखिर रोका क्यों नहीं। अधिक कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था। अब दोनों की बातें सुनकर अंकुश हंसता है, क्योंकि उसे तो पता था कि पाकी जाने वाली है। अब आगे आने वाले एपिसोड में बावन राज और अनुपमा की शादी की बात करेगी। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो भी अभीर के लिए। उसके ऊपर तो बेटे को पाने का भूत सा सवार है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और कायरव भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, और दोनों की इस प्रेम कहानी का मज़ा तो सुरेखा ले रही है। होता यह है कि अभीर का जन्मदिन है, और सभी लोग अभीर के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभीर को लग रहा है कि उसका जन्मदिन तो किसी को याद ही नहीं है, लेकिन उसे क्या पता कि उसे एक साथ दो दो पार्टी मिलने वाली है। अब सभी लोग अभीर के जन्मदिन की तैयारी में जुटे हैं। अभिनव और अक्षरा भी मिलकर अभीर के लिए जन्मदिन के गिफ्ट पैक करते हैं, लेकिन दोनों के मन में डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उधर अभीर अपना दुख रूही के सामने रखता है और कहता है कि सबको दवा खिलाना याद रहता है, लेकिन मेरा जन्मदिन किसी को याद नहीं। रूही कहती है कि वो खुद उसके जन्मदिन की खास तैयारी करेगी। अब दोनों की बातों को अभिमन्यु सुन लेता है, और बेचारा भावुक होकर रोने लगता है। वो सोचता है कि वो अभीर का जन्मदिन सबसे खास तरीके से मनाएगा, और अपने हाथों से उसे केक भी खिलाएगा। अब अगली सुबह रूही जन्मदिन में जाने की जिद करती है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उसको साथ लेकर नहीं जाता। अब रूही का रोना देखकर मंजरी ही उसे जन्मदिन में अपने साथ ले जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु चुपचाप अभीर को अपने साथ ले जाता है और बर्थडे की पार्टी देता है, जहां अभिमन्यु और अक्षरा में बहुत बहस होती है। अभिनव भी प्यार प्यार में अभिमन्यु की अकल ठिकाने लगा देता है। तो वहीं कुंडली भाग्य में करण और प्रीता का मिलन होते होते हर बार रह जाता है। बेचारा करण प्रीता की फोटो लिए मंदिर में दर दर घूम रहा है। होता यह है कि करण मंदिर में पागलों की तरह प्रीता को ढूंढता है, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने उसे देखा है। तभी दादी और करीना भी फिर से करण से मिलती हैं, और उससे पूछती हैं कि वो आखिर मंदिर से अभी तक गया क्यों नहीं। अब करण करीना और दादी को कुछ बताता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले खुद प्रीता को ढूंढना चाहता है। अब करण खुद को खाली सा महसूस करता है, और भगवान के सामने घुटने टेक कर प्रीता को वापस लाने की प्रार्थना करता है। तो वहीं दूसरी तरफ पलकी और राजवीर मैनेजर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कपल नहीं है,
लेकिन मैनेजर उन्हें कपल कहता है और रिंग्स के कई कलेक्शन भी दिखाता है कि जैसे मानो इन्हीं दोनों की सगाई होनी हो। वहीं गुम है किसी के प्यार में, सही चव्हाण निवास से सबसे विदा लेती है, सभी भी सभी घर वालों से मिलकर जाती है, लेकिन काको विराट को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि वक्त खुद को दोहरा रहा है, अगर सही गई तो पिछली बार की तरह कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन विराट सही को रोकने से ही मना कर देता है। अब देखो विराट को लग रहा है कि सही गुस्से में सत्या से शादी करने की बात कह रही है, लेकिन उसे क्या पता कि इस बार सही सबको चौंकाने वाली है। उधर ऐसे में भवानी फैसला करती है कि वो खुद सत्या के घर वालों के पास जाकर उसके परिवार से बात करेगी और सही संग शादी के लिए मना करेगी। अब भवानी सत्या के परिवार को भड़काती है कि सत्या जानबूझकर सही का घर तोड़ रहा है, क्योंकि भले ही दोनों अलग हैं लेकिन विराट अभी भी सही से प्यार करता है। उधर अम्बा भी सही से मिलने के लिए पहुंच गई है और उसे बताती है कि सत्या एक नाचने वाले का बेटा है और एक नाजायज औलाद है। इस पर सही जवाब देती है कि लावणी एक डांस कला होती है और बात रही नाजायज की तो इसमें सत्या का कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों ये तो थी आज की सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।